वाले हैं जो सबसे लॉन्ग टाइम जिंदा रहते हैं, इससे ही काटते हैं सारे सब्जी। मम्मी हाँ, बड़ों को नमस्ते, छोटों को हेलो, हाय फ्रेंड, मैं आपका राजेश, मैं होप करता हूँ आप भी मेरे तरह अच्छे ही होंगे। दोस्तों, बहुत दिन से वीडियो डाला नहीं है, कम से कम 5-6 दिन हो गया। मैं सोचा बहुत, मतलब कि प्लान चल ही रहा, मतलब रोज जाएं ना जाएं, मतलब जब भी जाने की तैयारी करते हैं कहीं तो कुछ ना कुछ काम पड़ जाता है, जा नहीं पाते। इस मारे मैं सोचा छोटा सा वीडियो बना दूँ, एक घर की ब्लॉग। और दोस्तों, मैं अभी सब्जी लेने गया था, सब्जी लेके आया, मैं सोचा कि तोतों की तो बनवा, तोते जो है मेरे, उनके वीडियो बना के आपको दिखा दिया। और जो मच्छी रखा हूँ उनकी एक छोटा सा वीडियो बना देता हूँ, ताकि 2-3 मिनट जो भी है वो वीडियो एक बन जाए, डलनी चाहिए ना 5-6 दिन में। चलो दोस्तों, मेरे मच्छी दिख रहे हो, दिख रहे होंगे, बड़े बड़े हो गए अब तो, छोटे छोटे से लाया था, बड़े हो गए। मैं तो बैक कैमरा करके आपको पूरे शानदार बढ़िया से दिखाता हूँ। दोस्तों, ये देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है ना, ये कितना खूबसूरत लग रहा है, मतलब इसकी पूंछ देखो यार। जितने भी खाने दो ना, ये हमेशा खाने, मतलब भूखा रहता है ये वाला मच्छी। मैं रात को खाना दिया, सुबह भी दे चुका हूँ, अभी भी जैसे हो रहा जैसे भूखा हो रहा, खाया नहीं। काला वाला एक काला शार्क, वाइट शार्क, ब्लैक शार्क दोनों हैं, और दो मतलब कि कलरफुल मच्छी थे वो, मतलब ज़्यादा दिन तक रहते नहीं है, 1-2 महीने रहते मर जाते हैं। और ये वाले सब शार्क वाले हैं जो सबसे लॉन्ग टाइम जिंदा रहते हैं। कभी भी कोई भी अगर ऐसे एक्वेरियम रखता है, मैं तो कहता हूँ सबसे बढ़िया ये शार्क ही रखो, कभी मरेंगे नहीं, पानी गंदा भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं चेंज करने की। और ये जो चिकने वाले दिख रहे हो ना चमकदार, ये ज़्यादा 2-3-4-5 महीने रहते हैं, 1 साल रहते हैं। ये वाले तो पूरा 2-3-4 साल तक रखते, बड़े बड़े होते। छोटे छोटे से लाया था, काफ़ी बड़े हो गए। अच्छा लग रहा है ना दोस्तों, वही अच्छा देखो कैसे हो रहा, पता नहीं क्या उनके भाषा में बात कर रहे होंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आपका अच्छा लगा होगा मेरे एक्वेरियम की मच्छी। दोस्तों, ये देख सकते हो मेरे मम्मी सब्जी काट रही थी, मैं सोचा छोटा सा वीडियो बना दूँ मम्मी के, और मम्मी जा चुके हैं बाहर। और मेरे को एक बात याद आया यार, जो उड़ीसा में ज़्यादातर गांव में ना, जो जैसे बाहर चक्कू वक्कू से काटते हैं, हम इससे ही काटते हैं सारे सब्जी इससे ही काटते हैं। मम्मी तो है नहीं, चलो छोटा सा वीडियो आपको, कोई बात ना, मम्मी जब तक आएंगे तब तक हम अपने वीडियो बना देते हैं। जो कह रहा था, मैं मम्मी बाहर जा चुकी हैं, देखो आ चुकी हैं, सब्जी वन काट रही हैं मम्मी। हाँ देख, मम्मी हमेशा कहती है कि मेरे हाथ पर काम नहीं कर रहे, दर्द हो रहा है, बूढ़ने अब उम्र होगी तो उनके सारे जितने भी जो कोहनी वोहनी पैर वेर सब जो गांठ होते हैं उनमें दर्द होता रहता है। और सुबह के काम कुछ नहीं करते, बस सब्जी काटते हैं, सबसे बढ़िया काम पकड़ रखे हैं, काट कोट के अगर अच्छे से नहीं बना फिर उनके बहाना देखा, ये सही नहीं हुआ वो नहीं हुआ, पर जो भी है अच्छा लगा। दोस्तों प्लीज़, अगर छोटा सा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को थोड़ा सपोर्ट करें। छोटा सा ब्लॉग था, मैं बाहर कहीं घूम नहीं पाया, मैं सोचा छोटा सा घर बना के 2-3 मिनट का वीडियो डाल देता हूँ, क्योंकि रेगुलर वीडियो ना डालो तो चैनल थोड़ा ग्रोथ रुक जाती है। दोस्तों दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच दोस्तों।